हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बीएड एंड टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज के लिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं और अगर आपको कोई वीडियो सर्च करना है तो आप यहां पे जाके सर्च कर सकते हैं, और जाते जाते बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। थैंक यू। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 से चैप्टर नंबर 3, जो भी है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो फैब्रिक्स हो सकते हैं या तो नेचुरल या तो सिंथेटिक, ठीक है। तो नेचुरल फाइबर 6th और 7th क्लास के वीडियोज में प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हो। 8th क्लास के फाइबर्स में है सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स बेसिकली होते क्या है, ये होते हैं पॉलीमर्स, ठीक है। केमिकल मोनोमर्स को आपस में कंबाइन करके बनाया जाता है एक बड़ी यूनिट को, ठीक है, जिन्हें कहते हैं पॉलीमर्स। और जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो बेसिकली क्या है, पॉलीमर्स ही हैं, जिनको फिर यूज किया जाता है फैब्रिक बनाने में। तो मोनोमर्स क्या है, स्मॉलर यूनिट्स होती हैं जो कि आपस में कंबाइन होकर बनाती हैं पॉलीमर। पॉलीमर क्या है, पॉलीमर में पॉली का मतलब है मैनी, मर एंड मिरोज का मतलब है पार्ट, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज जो कि बनी है मैनी यूनिट या मैनी पार्ट से मिलके, ठीक है। कॉटन भी क्या है, कॉटन भी एक तरह से नेचुरल फाइबर है और एक नेचुरल पॉलीमर है जो कि बना है सेलुलोज की स्मॉलर यूनिट से, ठीक है। तो स्मॉलर यूनिट कंबाइन होती हैं और एक बड़ी यूनिट बनती है। चलो सिंथेटिक पॉलीमर्स के एग्जांपल्स क्या है, तो रेयन सबसे पहला एग्जांपल है। सिल्क सबको पता ही है चाइना से ओरिजिनेट हुआ था और चाइनीज लोगों ने इसे बहुत दिन तक सीक्रेट रखा था, ठीक है। मतलब बहुत दिन तक किसी से बताया नहीं था कि हमारे पास ऐसा कोई फाइबर है। तो जो भी लोग थे बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे वो आर्टिफिशियल सिल्क बना पाए, ठीक है। तो 19th सेंचुरी के एंड में क्या हुआ, साइंटिस्ट ने सिल्क जैसा एक फाइबर बना लिया जिसको कहा रेयन, ठीक है। रेयन को कहा जाता है आर्टिफिशियल सिल्क या कृत्रिम रेशम, ओके, ये चीज याद रखना। और ये बनता है वुड पल्प से, सेलुलोज से ही बनता है ये। तो ये जो रेयन है ये बहुत सस्ता है एज कंपेरेबल टू ओरिजिनल सिल्क, क्योंकि ओरिजिनल सिल्क में काफी मेहनत है, काफी लंबा प्रोसेस है, मैन मेड है ये। रेयन प्लस कॉटन यूज होता है बेडशीट्स बनाने के लिए, और रेयन प्लस ओल यूज होता है कारपेट्स बनाने के लिए, ठीक है। जो कालीन होती हैं हो सकता है उनमें रेयन प्लस ओल हो, क्योंकि प्योर ओल की कालीन क्या है, बहुत महंगी होती है, क्लियर है। चलो देन है नायलॉन। नायलॉन पूरी तरह से तैयार किया हुआ पहला फाइबर था जो कि सिंथेटिक था, मतलब मैनमेड था, ठीक है। इसको बनाया कब था, 1931 में बनाया था। इसमें किसी भी तरह का प्लांट या एनिमल फाइबर यूज नहीं हुआ। इसमें क्या यूज हुआ है, पानी यूज हुआ था, कोल एंड एयर, ठीक है, इन चीजों को मिला के बना था पहला सिंथेटिक फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, लाइट है, मतलब बहुत हल्का होता है, लस्चरस होता है, मतलब इसमें चमक होती है, और बहुत ईजी है किसी भी तरह से इसको बुनने के लिए, वोवन करने के लिए। इससे क्या बनाई जाती हैं, इससे सॉक्स बनाई जाती हैं, जुराबे, रॉप्स बनती हैं, रस्सियाँ जो माउंटेनियर्स यूज करते हैं, वो रस्सियाँ किससे बनती हैं, नायलॉन से बनती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। टेंट बनते हैं, पैरासूट का कपड़ा भी क्या होता है, वो भी नायलॉन से बनता है। टूथब्रश जो होता है वो भी नायलॉन से ही बनता है, ठीक है। कार सीट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स, ये सभी बनते हैं नायलॉन से। और नायलॉन क्या है, स्टील से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, सेम डायमीटर के स्टील से। सपोज 1 सेंटीमीटर डायमीटर का अगर स्टील है और सेम डायमीटर का नायलॉन है तो नायलॉन ज्यादा स्ट्रांग होगा, ओके। चलो ये कुछ और एग्जांपल्स हैं नायलॉन के ही। नायलॉन 510, तो इसका मोनोमर क्या है, ये सवाल आ जाता है कई बार। इसका मोनोमर है पेंटामिथाइलिन डायमीन सेविसिक एसिड, ठीक है। तो ये मोनोमर है नायलॉन 510 के। इसके प्रॉपर्टीज ये बहुत महंगा है और ये सुपीरियर क्वालिटी है नायलॉन की, ठीक है। ये यूज होता है बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने में या बुलेट प्रूफिंग में। चलो देन है नायलॉन 6। नायलॉन 6 का मोनोमर है कैप्रोलैक्टम, ठीक है। इसका मोनोमर याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है और बहुत ज़्यादा चमकदार होता है। इससे बनती हैं टायर कोट्स, जो टायर की आपने बीच में कोट्स देखी होंगी ना, वो बनती हैं। कपड़े बनते हैं, होजरी बनती है, सीट बेल्ट्स बनती हैं, इससे पैरासूट्स बनते हैं, रस्सियाँ बनती हैं, और जो इंडस्ट्रियल कोट्स होती हैं मजबूत, वो भी बनती है नायलॉन 6 से, ठीक है। नायलॉन 66 का है हेक्सामिथाइलिन डायमीन। मोनोमर क्या है इसका, हेक्सामिथाइलिन डायमीन, ठीक है। इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा स्टिफ होता है,
हार्ड होता है और बहुत ज्यादा टफ होता है, ठीक है। इससे बनती हैं टेक्सटाइल एंड कारपेट्स, मतलब टेक्सटाइल में यूज होता है, कारपेट्स बनाने में यूज होता है ये, तो इनको याद रखना आप लोग। चलो देन है पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक, तो पॉलिएस्टर पढ़ लेते हैं। पॉलिएस्टर क्या है, सिंथेटिक फाइबर है जो कि रिंकल प्रूफ होता है, मतलब इस पर सिलवटें नहीं पड़ती हैं, ठीक है, ईजी टू वॉश है बहुत ज्यादा, ठीक है। टेरिलीन क्या है, टेरिलीन भी एक पॉलीमर है, किसका, पॉलीइथाइलीन टेरेप्थलेट, ठीक है, पैट कहते हैं जिसको। ये यूज होता है क्लोथिंग के लिए, यूटेंसिल्स भी बनते हैं, जो फिल्म्स होती हैं, जो पहले कैमरे में रील डलती थी ना वो बनती थी, वायर्स बनती हैं इसकी, ठीक है। पॉलीकॉट क्या है, पॉलीकॉट है पॉलीएस्टर प्लस कॉटन, पॉलीउल है पॉलीएस्टर प्लस ऊल, टेरिकॉट है टेरिलीन प्लस कॉटन, ठीक है, ये चीजें याद रखना। टेरिलीन एक क्या है, टेरिलीन है एक पॉलीएस्टर, ठीक है। टेरिलीन का अगर मोनोमर पूछे तो वो बना है पॉलीइथाइलीन टेरेप्थलेट, ओके, जैसे कहते हैं पैट। चलो देन है एक्राइलिक, तो सभी जो विंटर्स में जर्सी हम पहनते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं, वो जरूरी नहीं है नेचुरल ऊल से बनी है, ठीक है, वो हो सकता है आर्टिफिशियल ऊल से बनी है, जिसको कहते हैं एक्राइलिक, ठीक है। तो एक्राइलिक यूज होता है क्योंकि ये नेचुरल ऊल से बहुत ज्यादा सस्ता है, नेचुरल ऊल बहुत ज्यादा महंगा होता है, ठीक है, तो इसलिए हम यूज करते हैं एक्राइलिक का। और क्या है, एक्राइलिक का जो फाइबर है उसको हम किसी भी कलर में बना सकते हैं, और ये ज्यादा ड्यूरेबल है क्योंकि नेचुरल जो चीजें होती हैं उसमें हो सकता है वो विद द टेम्परेचर और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, माइक्रोब्स हो सकते हैं, उसको खराब कर दें, उसको डैमेज कर दें, ठीक है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर में ऐसा नहीं होता है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है सिंथेटिक फाइबर में कि जब वो जलते हैं तब वो हमारे स्किन के साथ चिपक जाते हैं, ठीक है, तो कभी भी हमें सिंथेटिक फाइबर नहीं पहनना चाहिए, किचन में, लेबोरेटरी में, या कोई भी आग जलाने वाला काम हो उसमें हमें सिंथेटिक फाइबर्स नहीं पहनना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये सिकुड़ जाते हैं, ठीक है, और वो स्किन के साथ चिपक सकते हैं। चलो और कैरेक्टरिस्टिक क्या है सिंथेटिक फाइबर्स की, कि बहुत जल्दी सूख जाता है, सस्ता है, ड्यूरेबल है, जल्दी डैमेज नहीं होता, ईजी टू मेंटेन है, क्योंकि नेचुरल जो फाइबर्स होते हैं जैसे सिल्क होता है उनको प्रॉपर वे में रखना होता है, नहीं तो सिल्क क्या है खराब हो जाता है, और बहुत आसानी से ये मिल भी जाता है हमें सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, तो ये है इसकी क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक। चलो देन आते हैं प्लास्टिक्स पे, तो प्लास्टिक क्या है, ये सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं जिनका जो मॉलिकुलर मास होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और ये बेसिकली क्या है, पेट्रोकेमिकल बेस्ड प्रोडक्ट है, मतलब जो क्रूड ऑयल निकलता है ना उसी में से बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं जो कि यूज होते हैं प्लास्टिक्स बनाने के लिए, ठीक है। तो प्लास्टिक डिफरेंट साइज में अवेलेबल है, प्लास्टिक को ईजिली रिसाइकल किया जाता है, लेकिन सभी प्लास्टिक्स को रिसाइकल नहीं किया जा सकता, प्लास्टिक्स को किसी भी कलर में यूज कर सकते हैं, हम बार बार इसको रीयूज कर सकते हैं, और हम प्लास्टिक को रोल भी कर सकते हैं डिफरेंट सीट्स बनाने के लिए, ठीक है। देन है कि किस तरह से मोनोमर यूनिट्स आपस में लिंक हुई हैं, ठीक है, तो ये होते हैं लीनियर पॉलीमर, जिसमें जो मोनोमर यूनिट होते हैं लीनियर मैनर में आपस में लिंक हुई है। देन है क्रॉस लिंक पॉलीमर, ठीक है, क्रॉस लिंकिंग में क्या है, एक लीनियर यूनिट दूसरी लीनियर यूनिट से आपस में लिंक होती है, ठीक है, इसको कहते हैं क्रॉस पॉलीमर, जो क्रॉस लिंक पॉलीमर है ये ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। चलो देन है पॉलीथीन, तो पॉलीथीन क्या है, इथीन यूनिट आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, पॉलीइथीन, ठीक है, और किस लिए यूज होता है, पॉलीथीन बैग्स बनाने के लिए। चलो नेक्स्ट है थर्मोप्लास्टिक, तो कुछ प्लास्टिक्स होती हैं जिनको आप इजिली बैंड कर सकते हो, कुछ को नहीं कर सकते हो, ठीक है, मतलब अगर आप उन्हें बैंड करोगे तो वो टूट सकती हैं, ठीक है, तो जो इजिली डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, जिनका स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है गर्म करने पर, वो कौन सी प्लास्टिक होती हैं, वो प्लास्टिक होती हैं थर्मोप्लास्टिक, ओके, थर्मोप्लास्टिक क्या होती हैं, अगर आप उनको गर्म करोगे तो उनका स्ट्रक्चर बदल जाता है। पॉलीथीन, पॉलीकार्बोनेट एंड पीवीसी क्या है, थर्मोप्लास्टिक है, ये याद रखना। थर्मोप्लास्टिक कहाँ कहाँ पे यूज होती हैं, जो कॉम्स देखते हो नॉर्मली, जो बच्चों के खिलौने होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, वो बने होते हैं पॉलीकार्बोनेट के, फूड ग्रेड प्लास्टिक भी कह सकते हो आप, तो सीढ़ी होती है, आजकल तो ये नहीं दिखती है, लेकिन सीढ़ी भी क्या है, पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है, ठीक है, अगर आप इन्हें गर्म करोगे तो इनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ये है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक पे क्वेश्चन आते हैं। देन है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है, वंस दीज आर मोल्डेड, अगर आपने एक बार इससे कोई चीज बना ली देन आप इसको यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये गर्म करने पर इनका आकार नहीं बदलता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं मेलेमाइन, मेलेमाइन की प्लेट्स आपके घर में होगी, तो मेलेमाइन पे गर्म चीज रख दो आप, इसका स्ट्रक्चर नहीं बदलता है, ठीक है। मेलेमाइन और कहीं यूज होती है,
डिशेज बनाने में यूज होती है, मतलब बर्तन, फ्लोर टाइल्स में भी यूज होती है, और फायर प्रूफ क्लोथिंग में भी यूज होती है मेलेवाइट। दूसरा एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बैकेलाइट। बैकेलाइट क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए इससे बनाते हैं हम स्विचेस, जो यूटेंसिल्स की हैंडल होते हैं वो बनाते हैं, ठीक है। जो आपके घरों में ये प्लग होते हैं, स्विचेस होते हैं, ये किससे बने होते हैं, बैकेलाइट के। तो मेलेमाइन एंड बैकेलाइट एग्जाम्पल्स हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, ये प्लीज याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले। चलो लास्ट में है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक क्या है, नॉन रिएक्टिव है, लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है, पुअर कंडक्टर है, टेफ्लॉन जो कि बना होता है पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलीन, किस लिए यूज होता है, नॉन स्टिक कोटिंग में यूज होता है, ठीक है। ये भी क्या है, एक तरह का प्लास्टिक ही है। देन है प्लास्टिक एंड एनवायरमेंट। तो प्लास्टिक क्या है, नेचर के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्की है क्योंकि सभी तरह के प्लास्टिक रिसाइकल नहीं होते हैं, जैसे कि सिंगल प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, वो क्या है, पॉल्यूशन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, और बहुत सालों तक डिग्रेड होते ही नहीं है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, और इसके लिए 5R रूल बताया गया है, NCERT में ये दे रखा है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। 5R रूल का मतलब क्या है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज। तो पहला क्या है, पहला है रिड्यूस, मतलब यूज ही कम कर रहे हैं उसका हम, ठीक है। बाद में है रीयूज, अगर आपके पास कोई चीज है तो आप उसको फेंको मत, रीयूज करो, अगर कोई रिसाइकल हो सकती है तो उसको रिसाइकल करो, अगर कहीं पे आपको दिख रहा है तो उसको रिकवर करो और रिफ्यूज करो, ठीक है। मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक क्या हो गई है आजकल, रिफ्यूज हो गई है, उनको यूज करना बिल्कुल बंद हो गया है, ठीक है। तो ये सिंपल सा चैप्टर था, आई होप अच्छा लगा हो। इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, कुछ चीज़ें क्या सभी इंपॉर्टेंट थी इसमें, तो सभी के एग्जांपल्स याद रखना और कहाँ पे यूज होती है कोई पर्टिकुलर चीज़। तो इस वीडियो में इतना ही था, आई होप वीडियो अच्छा लगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।